गाइस, मैं हूं राम जी और हम आ चुके हैं एक और नए अपने एक ब्लॉग के साथ। अच्छा, हम तो आज जैसे कि मैं कुछ एक वीडियो मतलब एडिट करके मैंने रख दी है स्टॉक में पहले से, कल अब मैं रूटीन बना रहा हूं, तो उसी तरीके से सारा कुछ काम कर रहा था। मैंने कहा कि अभी एक और वीडियो स्टार्ट कर देता हूं बनाने के लिए, तो हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ धमाका मचाने। तो यहीं से देखिए कि हमारी जा खड़ी है गुड़िया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गुड़िया जा हमने एकदम ढाक ढूक के खड़ी कर दी, अब जाके कुछ दिख नहीं रहा हूँ। और देखो गाइस, सामने देख रहे हो जो लाइट आ रही हैगी, जो देखो जो तक्का में देख रहा हूँ छोटे से मैं सफ़ेद बल्ब, लाइट आ रही। और हम सोच रहे हैं कि मतलब जो हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि मतलब लाइट आ जाए अब करें, पर लाइट बहुत पहले से आ रही तो हमारा पोपट हो गया। तो अब हमने देखी कि लाइट आ रही, तो अब हम चार्ज करें हैं फ़ोन, चार्ज करने के बाद फिर हम बनाएं ब्लॉग। और फिर हम देखी तुम्हें मिलाते एकदम भूरे बच्चन से, वही भूरे बच्चन से मेरे समोसा लेके आए थे, वो अगले वीडियो में डाल रखा है मैंने। और वो कम बोलते हैं, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, अपन अकेले बहुत बोलता है, फाड़ डालेगा चीर डालेगा, और सबसे ज़्यादा तो बोलता अपन बहनचोद। हाँ तो मादरचोद, उसको जाके बोलना मुझे क्या बोल रहा है। गुड मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं, बज गए सुबह के 6 और हम उठ चुके हैं, मतलब उठे तो नहीं आते, उठ गए लेकिन फोन होना का उठ किसी का। देखो हम उठ चुके हाँ, पर सवाई हो रही बढ़िया देने सुबह एकदम। देखो सूरज निकलन वाले हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा हूँ। तो अभी हम करते हैं ब्रश और फिर उसके बाद जाते हैं घर, आज घर का नाश्ता करेंगे, तो चाय वाय पियेंगे और मिलते हैं ब्रश करने के बाद में। जब तक ये देखिए एक बार और इस बादल का व्यू ले लीजिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली हमने कर लिए ब्रश और अभी हम जा रहे हैं घर, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर बनाएंगे वीडियो, फिर मचाएंगे तबाही, तबाही ढालते हैं तबाही। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। देखते जाना आप आगे आगे, मैं करता क्या हूँ, अरे शर्म को तो बेच खाएंगे। तो गाइस हम गए थे सुबह नाश्ता करने, तो नाश्ता तो हमको नहीं मिला क्योंकि दूध ही नहीं आया, दूध लेना ही बंद कर दिया, इस वजह से ना ही चाय मिली ना ही कुछ मिला। तो अभी बज रहे हैं 10:30, तो अभी खाना वाना खा लिया है और अब बस थोड़ा आराम वराम करना है, और आज जाना है थोड़ा हीरापुर अपने बुआ के यहाँ जाके, क्योंकि उनका जो लड़का था बड़ा वाला वो ख़त्म हो गया है, तो दीदी को लेके जाना है वहाँ पे। तो रास्ते मतलब रास्ते के नज़ारे भी दिखाएंगे आपको, कैसा हमारा सफ़र रहता है, किस तरीके ट्रैवल करते हैं, और उसके साथ साथ वो अपने बुआ का गांव भी दिखाएंगे और उनका घर भी दिखाएंगे। और तो आज वीडियो में कुछ ऐड होने वाला है जो हम कहीं ट्रैवल करते हुए दिखा पाएंगे। लगता ही है पागल हो गया। तो बने रहिए हमारे साथ और आप तबाही ढा देंगे, पर लेकिन वहाँ पे तो हीरापुर में तो कुछ ना कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़े मृत्यु हुई है किसी की, तो उतना कुछ बनता नहीं है, पर लेकिन अपने भाई को तुम जानते ही हो, अपना भाई यानी राम जी भाई। अभी तक तो हम गए नहीं हैं, पर अभी मतलब जो फ़ोन आया हमारे पास, हमने फ़ोन किया था आया कैसा, तो फ़ोन किया हमने तो पूछा कितने टाइम जाना है हमको, तो वो बता रहा है कि 2:30 बजे तक निकलना है, तो अभी तो टाइम काफ़ी बाकी है। तो मैंने कहा अब तक ऐसे ही कुछ सूट कर लिया जाए। और अभी एक चीज़ मेरे नज़र में आई यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो क्या है, निकाल के दिखाता हूँ मैं, देखो ये कृष्ण भगवान का चक्र, यदा धर्मस्य, पर ये घूम क्यों नहीं रहा, अरे ग्लाइंडर में लगा के घुमाना पड़ेगा। नहीं अच्छे ये वो है ना जिससे मतलब लकड़ी अकड़ी काटी जाएगी,
मैंने कहा साला ये कौन सा मतलब चक्र सा है, एक और है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये देखो ये बहुत छुटकु, पर इसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा है, एकदम चक्र जैसा ही लग रहा है। बहुत मेरा बहुत मन था इसको उठाने का, पर लेकिन अभी मैंने उठा के देखा, मैंने कहा ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा ये क्या चीज़ है। और इसमें कवच लगा हुआ है कि कहीं ये निकल ना जाए, उड़ ना जाए, किसी गर्दन वर्दन ना उड़ा दी गर्दन। तो हम लोग निकले आटा से निकलने के बाद ये रिक्शा में बैठते हुए, और इनमें CNG गैस इनने भरवाई, और अभी यहाँ से निकलते हैं पेट्रोल पंप से। और जोलूपुर में जैसे ही हम बैठे तो जूते फट गए, तो जूते हमने सिलवाई, जूते सिलवाने के बाद देख लो पैर भी नंगे करे बैठे हैं। और फिर उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे दीदी का कि दीदी आ जाए, फिर उसके बाद निकले यहाँ से, पर जूते अभी तक रिपेयर नहीं हुए। जूते के साथ साथ यहाँ देखा तो बहुत सारे लोग ये आए हुए गुजरात से, इनके पीछे पड़ गए टेम्पू वाले कि हमारे साथ चलना है। तो इसी तरीके से हम पहुँच गए हीरापुर। अब थोड़ा पैदल चल के जा रहे हैं, और पैदल चल के जाते जाते तो हमने फ़ोन कर दिया था तो लेने भी आ रहे, वो तक तो जब तक हम लोग पैदल ही निकलते हैं। तो जैसे कि गुम्मा उम्मक भट्टा देख रहे हैं आप लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे साथ बने रहिए इसी वीडियो में। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने किया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलना। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये ट्रक जा रहा है, धूल उड़ाता हुआ, पाउडर एकदम कर दिया है इनने। और देखो ये कद्दू के पेड़, ये कद्दू खेती है, हमें समझ में नहीं आ रहा पहले का एक खेती है फिर, लेकिन हमने पूछो तो अब ऐसे ही भाई आ चुके जे, अब बाइक में निकल रहे हैं, पर काफ़ी दूर है, चल के बहुत दूर जाने पड़ा, तो इस वजह से बाइक में लेने आ गए। तो हम अब पहुंचने वाले, बस पहुंच गए और फिर आ गए जी अपने भूरे बच्चन, देख लियो हमने बताई थी मिलवा।